मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर से बड़ी खबर। आइए आपको अपहरण की पूरी घटना की कहानी सुनाते हैं। सोमवार मेरठ के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण की सूचना जैसे ही फ्लैश हुई, पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस जांच में जुटी। जांच में सामने आया है कि राधना निवासी आसिफ का बेटा आरिफ अपनी सौतेली माँ से परेशान था और अपनी सौतेली माँ की परेशानियों से बचने के लिए बेटे ने स्वयं ही अपहरण का नाटक रचा था। बताया जाता है कि आसिफ की विवाहिता का देहांत हो गया था, जिसके पश्चात आसिफ ने दूसरी शादी दिल्ली निवासी एक महिला से की थी, जिससे तंग आकर उसके बेटे ने अपहरण का नाटक रच डाला। सोमवार को फर्जी अपहरण की घटना से पर्दा उठाते हुए कप्तान मेरठ अजय साहनी ने बताया कि आरिफ स्वयं ही अपहरण का नाटक रचते हुए घर से गया था। उसने स्वयं ही अपनी बहन के मोबाइल पर मैसेज किया और बहन की डायरी से एक पेज फाड़ते हुए स्वयं अपहरित ने ही चिट्ठी लिखकर अपने गेट पर डाली थी। पूरा खुलासा सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल के माध्यम से किया गया है। आइए सुनते हैं कप्तान मेरठ को अपहरण की घटना को लेकर कप्तान मेरठ का क्या कहना है। सर, मेरठ पुलिस बच्चे के अपहरण की सूचना आई थी, उसमें क्या खुलासा हुआ है? बच्चा कहाँ से बरामद हुआ? कल शाम को 112 नंबर पर एक कॉल की गई थी, वहाँ से मेरठ पुलिस को पता चला कि 15 साल का एक बच्चा आरिफ नाम का है जो कि मिसिंग है, और उसके घर पे उसकी सिस्टर के मोबाइल पर एक मैसेज आया था जिसमें 50 खोखा डिमांड की गई थी और घर के बाहर एक कागज़ का टुकड़ा मिला था, उसमें भी लिखा था कि लड़का चाहिए तो 50 के दें। इसको देखते हुए त्वरित रूप से 5 टीमों का गठन किया गया और पूरे केस के अनावरण का प्रयास किया गया। इसमें आज बच्चे को कुछ समय पूर्व बरामद किया गया है और बच्चे के पास से करीब 9.5 लाख रुपये के आसपास लगभग रुपये भी बरामद हुए हैं। पूरा मामला ये निकल कर सामने आया कि ये लड़का जो है इसकी मदर स्टेप मदर हैं और घर से थोड़ा परेशान था, उसके बाद ये स्वयं ही पूरा कांड इसने रचा था और परेशान होकर इसने अपनी बहन के कागज़ पर ये चीज़ लिखी थी और मोबाइल फ़ोन पे मैसेज भी इसने अपने फ़ोन से किया था, उसके बाद उसने नंबर अपना चेंज कर लिया था। लड़के को बरामद किया गया है और इसके पास से पैसे सारे बरामद हुए हैं, 9,31,000 रुपये हैं, और जो भी विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसकी सूचना दे दी गई है और संबंधित जो न्यायालय हैं उनके सामने लड़के को प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही लड़के के जो पिता है, लड़के के पिता को भी यहाँ बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ सारी बातों की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिस का खुलासा हुआ है, इसमें पुलिस के साथ साथ मेरठ के STF की यूनिट की टीम भी साथ लगी हुई थी। दोनों टीमों ने मिलकर 16 घंटे के भीतर इस पूरे घटना का अनावरण किया है। अपर मुख्य सचिव गृह महोदय के द्वारा मेरठ पुलिस और लगी टीमों को सभी 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। बाकी जो अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें होगी वो सुनिश्चित की जा रही है। ये जो 50 खोखे का मैसेज आया था, बेसिकली ये मैसेज इंग्लिश में लिखा था, 50KHOKA, और कागज़ में भी 60 में 50K लिखा था लड़के ने। दो जगह लिखने का मुद्दा ये था कि कागज़ उसने डाल रखा था पहले, अगर कहीं कागज़ ना मिले, कागज़ उड़ गया हो, तो इसलिए उसने मैसेज भी कर रखा था मोबाइल पे। और उसका उद्देश्य ये था कि घर छोड़ के हम बाहर जाएंगे और बाद में उसकी दो बहनें यहाँ हैं, इनको भी अपने साथ ले जाके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। क्या वो पैसे चाह रहा था? नहीं, वो फिरौती के पैसे नहीं चाह रहा था। बेसिकली वो चाह रहा था कि इससे हम चले जाएं घर से और हमारा इस परिवार में, इस घर में हम रहना नहीं चाहते हैं, और उसकी दो बहनें हैं, उन्हें भी साथ ले जाना चाहता था। उन चीज़ों की जाँच पड़ताल अभी चीज़ की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी बातचीत की जा रही है। जो लीगल कार्रवाई होगी वो हमारे विधिक राय जो देने वाले हैं सभी से बात की जा रही है, उस अनुसार उसमें कदम उठाया जाएगा। क्या ये बच्चे इसके फादर के ही हैं या वो भी कहीं? नहीं, ये इनके मदर और फादर दोनों स्टेप मदर फादर हैं, वो सारी चीज़ें इसमें चाहिए। आप देख रहे थे SM न्यूज, कैमरामैन गुलाम नबी के साथ मैं मोहम्मद इमरान SM न्यूज के।